ओके तो ये स्क्रीन आ गई ऑडिटोरियम, ये भी मेरे जैसे ही है सर, हमारे दोस्त हैं। ओके ही सेड कि पैसेज वाली टिकट चाहिए, तो ये ग्रीन हो गई, दैट मीन मैंने क्लिक किया उनके लिए। आफ्टर दैट टिकट भेजने आया हूँ मैं, तो क्या क्या करना पड़ता है, सिर्फ फिल्म नहीं बनानी होती है, उसके बाद बहुत कुछ करना पड़ता है। कश्मीर का इस चार बार देखी थी तो यार जबरदस्त, मेरा कोई फैन निकल रहा है। मैं मूवीज का ही फैन हूँ सर, मूवीज का ही फैन, तो थैंक गॉड मैं मूवीज में काम करता हूँ। ₹320 आपने दिए जी सर, ठीक है ₹320 कमाए मैंने, क्लिक ऑन कैश। सर हमारे साथ भी एक फोटो आ गया, बिल्कुल फोटो तुम्हारे साथ लेके फोटो घर पे भी लगाऊंगा। आप लगाए नहीं लगाए मुझे तो दे दीजिए, मैं लगा दूंगा। और कोई माइकल लाल, मैं वेट कर रहा हूं सर, वेट करो। हां अरे बंदा है, सही बंदा है, ठीक है। अबे कहां गिरे फोटो ना, हम लोग अंदर आ सकते हैं? और किसको टिकट चाहिए? तो सर आपको टिकट चाहिए तो कौन से शो के लिए चाहिए? 9 बजे कोई इम्पोर्टेंट 9 बजे सर आपको पठान शो चाहिए, आपको पैसे दे दूंगा, एंट्री टिकट ले लेना है मैडम से। आगे ऑटो सब लोग अभी चलो, और कोई है माइकल लाल? यस मैम, अभी शो मैडम कितने बजे शिव शास्त्री का मेरा पिक्चर 5 PM शो, 5 PM शिव शास्त्री। आप बोलिए फुल पिक्चर का नाम, मेरा पूरा नाम क्या पिक्चर का? शिव शास्त्री बालबोआ बालबोआ। हाय मैडम, हाउ मेनी टिकट्स यू वांट? 1 टिकट। अभी इसको क्या करना है? So, ma'am, would you like to take a recliner seat or prime seat? Prime. Okay. So, please pick recliner, sir. And seat, unko show karna hai. White seats are available. Kaun si seat chahiye aap? Six. Aap maine maa class kar diye आप कर दीजिए सब कुछ, मैं सिंबॉलिकली यहाँ बैठा हूँ, करना आप ही को सब कुछ है, मतलब एक्चुअली टिकट मुझे M6 would be fine ma'am. Okay, give you contact number for billing. अभी सबके सामने कॉन्टेक्ट नंबर मत लीजिए, कोई भी नंबर लिख लीजिए, बिकॉज द होल मीडिया विल बी देयर ना, दे विल आप अपना नंबर डाल दो। यस Yes. Card. Videos. मेरे प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? उनको देखो क्या कर रहे हैं। ये टिकट के पैसे मैं लूँगा। Done. Print. फोटो खिंचाने आ गए प्रोड्यूसर, पैसे दो जा जाके टिकटें खरीदिए सर। 5 o'clock शो। हाउ मच इज द रिक्लाइनर फॉर 320? ओके, टू टिकट्स।
would you like to go for a CVP ticket, sir? उसमें आपको FMB भी मिलेगा, amount like 300. घर से लेके आ रहे. The white seats are available. In the main line. Okay, P67 would be fine, sir. Yeah. The topmost. Yeah. Okay. Seats are both. Two. That is also available. But the one with recliner, so it is fine, sir. It's a good process. Sink number. Give your contact number, sir. इनका तो सर यार. नहीं नहीं तो कांटेक्ट नंबर किसी का भी पब्लिकली नहीं लेना चाहिए दैट्स व्हाट आई फील ना दे विल रिसीव अ टिकट्स एक्चुअली सीट्स नंबर अच्छा आप एक पेपर में लिख के दे दीजिए सो दैट मैं जाके लिखा दूंगा नंबर रवि यहां पे आपके तो बहुत पैसे हैं खा लूं मैं सर आपका सीट नंबर है P67 इसमें मिलेगा ओके मैं मैनेज कर दूंगा दे विल हेल्प यू आउट इधर आपको लेकर आओ 2000 डायरेक्टली आपको यहाँ से नमस्कार आपको कौन से टिकट हमने बिठाया था अपने सर सीट सिलेक्ट कीजिए वाइट सीट अवेलेबल है बैठ जाएंगे बेचारे हमारे कौन से यहाँ पे खर्चा मैं अभी अंदर बॉक्स ऑफिस में आई टॉक टू यू जय सर उनको वापस कितना देना है तो जी 40 रीजनल सोनिक 200 का मुझे चाहिए सॉरी 20 के नोट्स चाहिए आप बताओ दिस को ना ये है 40 सर श्रीमान जी आपका नाम सूरज सूरज वाह वाह क्या हो क्या चमके आज मेरे लिए थैंक यू सर आज आपके लिए आया सर आपका सीट नंबर है Audi 5M9 सीट नंबर है Audi 5M9 मैं घर में बैठने वाला हूं गेट में आपको मेन एंट्रेंस पे बता देंगे हम मेमोरी में नहीं बैठेगा Audi 5M9 अच्छा लिख के दे दो शिव शास्त्री ये भी ऐसे तो नहीं पकड़ पकड़ के लोगों को पैसा दे रहे हैं और नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ अपने बारे में क्या है मेरी मजाक की आदत है आप तो अफसोस है क्या नाम है श्रीमान जी मेरा नाम है कृष्ण झा कृष्ण झा वाह कृष्ण झा क्या बात 320 है सर दो चाहिए दो सर दो ठीक है 320 सर आपकी सीट है Audi 5M12 M12 अब आप बाकी बेचो अगर कोई है माइकल आज देखो थैंक यू एवरीबॉडी एक बार मशीन कोई खींच रहे हो मेरे को यहाँ पर सर ये अभी मिला सर माइक के साथ स्ट्रगलिंग के जमाने के दिन याद आ गए स्ट्रगल में ऐसा होता था बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस थैंक यू मैम सोनी आपका नाम है यस थैंक यू मैंने कितने कमाए अपने पिक्चर के लिए 5,500 रुपए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा थैंक यू हैव अ ग्रेट डे यू टू मैम थैंक यू ऑल द बेस्ट ये कौन एक्टर है जगदू एंड कृष्ण अरे सतीश जी का पता करो कमरे में है अपने ऑफिस में मूविंग स्टैंडर्ड प्रॉपर एयरक्राफ्ट प्रॉपर शेड एयर नेम बैंड ये सब स्टाफ के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई राजेश बताइए आगरा रहने वाला पटना से बेसिकली सर पटना से बस कर कितना फोटो शूट कर रहा है
जब मैं अपने ड्रामा स्कूल में नाटक करता था ना, तो नाटक देखने के लिए लोग कम आते थे, तो फिर हमको खुद रास्ते पे खड़े होकर टिकट बेचनी पड़ती थी। मुझे लगता है कि किसी भी काम में ये स्टारडम, ये शोशा, ये मुझे ऐसी फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, आया हूँ। और तो मुझे किसी, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि सर आप एक एक्टिविटी करते हैं कि आप टिकट बेच रहे हैं शिव शास्त्री बेलबुआ के, तो मुझे लगा अच्छा है, इट्स ए गुड आइडिया, लोगों को लगना चाहिए कि एक्टर भी खुद टिकटें बेचता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। आई लर्न द आर्ट ऑफ हाउ पीपल PVR और एनी आईनॉक्स एंड अदर मल्टीप्लेक्स सेल टिकट्स, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैंने 6-7 टिकटें बेची विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। पहले तो मुझे लगा कि प्रोड्यूसर ने अपने बंदे तो नहीं बिठाए हुए कि जाके टिकट लेके आ, बट नो, दे आर जेन्युइनली नाइस। एंड टू सेल आवर प्रोडक्ट यू शुड डू एनीथिंग इज डिग्निफाइड एज लॉन्ग एज इट इज़ डन विद जॉय एंड हैप्पीनेस। सर, क्या डिफरेंस था जब आप पहले बेचते थे और आज, जब आप पूछ रहे थे कि कितना वापस करना है, क्या कैसा लग रहा था? बिकॉज जब हम नाटक करते थे तब तो बहुत कम होती थी टिकटें, और ऐसे वो खानों में नहीं होता था, 5 रुपये की टिकट होती थी या 2 रुपये की टिकट होती थी। बट इट रिमाइंडेड मी, और मैंने कितने साल शिमला में, दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में फिल्में देखी हैं, और हमेशा काउंटर के उस तरफ रहा हूँ। आज काउंटर के इस तरफ रहने का एक्सपीरियंस शायद मुझे ज़िंदगी में कभी ना मिलता, शायद कोई ऐसी फिल्म जिसमें अपने आप ही ये सब मेहनत ना करनी पड़ती तो ना होता। बट मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करना चाहिए। दो बदन फिल्म की टिकट मैंने शिमला में ली थी, और मुझे याद है कि मेरे सामने एक फौजी खड़ा था। तो हम शिमला में क्या होता था, लाइन तो लगती थी जब तक वो दरवाज़ा बंद होता था, वो खिड़की का, जैसे खिड़की वो खुलती थी तो बस तूफान, वो लाइन टूट जाती थी। तो मुझे याद है कि अंदर से जो टिकट बेचने वाला था, सिर्फ वो इतना सा छोटा सा कोना नज़र आता था जिसमें हाथ जाता था, शक्ल नज़र नहीं आती थी। और उसने पीछे से कहा, टिकट काउंटर वाले ने जो टिकट बेच रहा था, घबरा मत, दे रहा हूँ टिकट, दे रहा हूँ। तो फौजी ने अंदर से ऐसे हाथ डाला और उस बंदे को ज़मीन से आधा फुट ऊपर ले लिया। उसने कहा, गोली से नहीं घबराया तो टिकट लेने से क्या घबराऊँगा। मुझे वो ज़िंदगी में कभी वो डायलॉग भूलता नहीं, उससे बड़ा डायलॉग मैंने आज तक नहीं सुना। I'm very happy because a film like this needs to do well. इस तरह की फिल्म चलनी चाहिए, लोगों को बहुत अच्छी लगी है, स्टार्स, 4 स्टार्स मिले हैं, 5-5 लोगों को स्टार दिए हैं। IMDb पे वी आर इनिशियली 3 डेज 10.10 था, 10 out of 10 था, अब 9.6 समथिंग है, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग इन ए फिल्म विच इज़ मेड अबाउट दीज टू कपल्स, मी एंड नीना गुप्ता, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक अच्छी फिल्मों की हमेशा लोगों को दरकार होती है, और अच्छी फिल्म लगी है तो मज़ा आया। साथ ही कल वैलेंटाइन डे भी है, क्या कुछ आप कहना चाहोगे, क्योंकि इन दिनों सभी एक दूसरे का प्यार करते हैं फैमिली के साथ। वैलेंटाइन डे जो है वो सिंबॉलिक है प्यार का, और चाहे वो सिनेमा के प्रति हो, हालांकि वो लड़का लड़की का ऐसा मार्केट तो ऐसा किया जाता है, मगर मुझे लगता है कि प्यार जो है वो माँ बाप से भी होता है, दोस्तों से भी होता है, सिनेमा से भी होता है। तो इस वैलेंटाइन डे पे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको प्यार के साथ प्यार गुजारना है तो आप ये फिल्म देखकर गुजार सकते हैं, क्योंकि ये भी फिल्म प्यार के बारे में है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, मैं ऑफ कर दिया।
I'll give you a call.